आज की हमारी इस क्लासेस में हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग की। रात की 10:15 बजे की बैच है, मेरी लास्ट बैच है और मेरे साथ मिस्टर अतीश है और मिस्टर पुष्पेंद्र जी हैं जिनके साथ मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं और ये आज हमारा इस बैच का पहला दिन है। ओके, तो सबसे पहले हमने लोगों की बात की कि आखिर VBA का मतलब क्या पर्पस है सीखने का। तो चलिए हम VBA को थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको हम सिखाते हैं। VBA इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये VB6 नहीं है। VBA एक आपका VB6 होता है, ये VB6 नहीं है, क्योंकि ये इसके जरिए आप एक्सेल में सिर्फ माइक्रो बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सिर्फ माइक्रो बना सकते हैं। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें कोई सेटअप वगैरह या फिर कोई क्या बोलते हैं ईएक्सई फाइल वगैरह नहीं बना सकते आप। देखिए VB6 की प्रोग्रामिंग इस पे, तो इसके जरिए क्या क्या बनाएंगे? पहला बनाएंगे वो बनाएंगे माइक्रो। अब माइक्रोज क्या होता है? माइक्रोज को हम एक तरह से ऑटो पायलट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑटो पायलट। मतलब कि आप कोई रिपोर्ट्स बनाते हैं, रिपोर्ट बनाने के लिए 8-10 प्रोसीजर को फॉलो करते हैं या 50-60 प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जिसके लिए आपको काफी टाइम देना पड़ता है। जिसके लिए आपको मान लीजिए एक रिपोर्ट बनाने में घंटे 2 घंटे का टाइम हुआ लगा, घंटे से 2 घंटे का टाइम अगर मान लीजिए लगा और डेली आपको उतना ही टाइम लग रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो है उस रिपोर्ट को उसकी सारी प्रोसीजर को आप कोड कर सकते हैं और अगले दिन जब आप इसको रन करेंगे तो आपको विथ इन सेकेंड में या विथ इन मिनट में वो सारे काम हो जाएंगे। तो विथ इन मिनट या विथ इन सेकेंड में आपका पूरा काम हो जाएगा। ओके, तो एक तरह से ऑटो पायलट हो सकता है। अगर एग्जांपल आपको हम दिखाएं तो एग्जाम्पल में हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जो कि हमारे काफी काम को आसान कर देते हैं। राइट सर, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे अगर 100 लोगों को मेल करना है तो इंडिविजुअली मेल करना है, तो उसके जगह पे आप उसकी प्रोग्राम को लो, ऑटोमेटिक आपको मेल कर देगा। जैसे मुझे अगर किसी को मान लीजिए कि 100 लोगों को सैलरी स्लिप देना है, सैलरी स्लिप पीडीएफ फॉर्म में अलग अलग फॉर्मेट में है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा आता है, वो आता है फंक्शंस का। तो वीवीए में हम फॉर्मूला फंक्शंस की बात करते हैं, जैसे कि आप वी लुकअप, एच लुकअप, ऐसे जो फॉर्मूला है ऐसे खुद के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। अब खुद के लिए फॉर्मूला का उपाय क्यों कर सकते मतलब क्यों यूज करें, क्योंकि एक्सेल में ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन सारे फॉर्मूले हमारे काम को या हमारे काम के नहीं है या फिर हमारे काम के लिए परफेक्ट नहीं है। जैसे आप वी लुकअप लगाते हो, वी लुकअप में मल्टीपल लुकअप नहीं करता है, मल्टीपल मतलब डुप्लीकेसी है तो डुप्लीकेसी को लुकअप नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, तो डुप्लीकेसी को लुकअप नहीं करेगा। दूसरा, तो आपको डुप्लीकेसी के लुकअप के लिए ऐसा फॉर्मूला चाहिए तो उसके लिए आप फॉर्मूला बना सकते हो। मतलब कि कुछ ऐसी कैलकुलेशन जो कि एक्सेल की फॉर्मूला से लेंदी है या पॉसिबल नहीं है या फिर उसके लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ऐसे फॉर्मूला क्रिएट करते हैं
और हम जस्ट फंक्शन की कैलकुलेशन सिर्फ फॉर्मूले के लिए नहीं, हम यहाँ माइक्रो में भी हेल्प के लिए करते हैं। जैसे कि एक ही प्रोसेस को आपको 10 बार दोहराना है तो 10 बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है, उस कोड को फंक्शन में कन्वर्ट कर लो और हर जगह पे उसको कॉल कर लो, तो हम इसका यूज भी करते हैं। और तीसरा वो आता है हमारा, वो आता है यूजर फॉर्म। ठीक है, यूजर फॉर्म क्या करता है? यूजर फॉर्म इंटरफेस क्रिएट करता है। जैसे कि आप लोग क्लिक करते हैं तो इस तरह का पॉपअप आता है ना, इस तरह का पॉपअप बनाने का काम यूजर फॉर्म करता है इंटरफेस के लिए। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो सपोज सब मान लीजिए कि आप पिवट टेबल आप लोग यूज किए होंगे, और मान लीजिए मुझे पिवट टेबल का ही वीडियो का ही मैक्रो बनाना है, तो मुझे कई सारे मैक्रो बनाने पड़ेंगे कि भाई पिवट टेबल विथ रेंज विथ न्यू शीट, पिवट टेबल विथ एक्सटर्नल डेटा विथ न्यू शीट, पिवट टेबल विथ एक्सटर्नल डेटा विथ एग्जिस्टिंग शीट, टेबल रेंज विथ एग्जिस्टिंग शीट्स, ऐसे कई सारे मैक्रो बनाने पड़ेंगे। और यूजर जो यूज करेगा या मैं ही यूज करूंगा, हमेशा कंफ्यूज होगा कि किसके लिए कौन सा मैक्रो यूज करना है। देखिए यहाँ पॉपअप आ गया, जस्ट सिलेक्ट 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 एंड ओके, और जैसा हम यहां डालेंगे उसके अकॉर्डिंग वहां पे आपका मैक्रो बनेगा। ठीक है, डाउट कोई डाउट इसमें सर? अतीत जी एंड पुष्पेंद्र जी, जी तो आखिर करना क्या है? आप मैक्रो बनाएंगे अपने रिपोर्ट को ऑटोमेट करने के लिए, दूसरा आप फंक्शन तैयार करेंगे कैलकुलेशंस या फिर अपने माइक्रो में हेल्प करने के लिए। ठीक है, सर, और रिकॉर्ड मैक्रो सर, क्या? रिकॉर्ड मैक्रो सर, नहीं, मैं उस पे आता हूं, माइक्रो की डिफिनेशन को समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा चीज आता है, जैसे आपने पूछा कि रिकॉर्ड मैक्रो से, रिकॉर्ड मैक्रो के बारे में समझ लीजिए। अब बहुत सारे लोगों का, मेरे पास ऐसे फोन हमेशा आते रहते हैं जिसमें यूजर पूछते हैं सर मुझे मुझे वीवीए सीखना है, माइक्रो नहीं सीखना है। हम बोले कि माइक्रो में क्या है? सर माइक्रो में बस रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड किए स्टॉप किए माइक्रो हो गया। क्या ये सबसे पहले गलत है? देखिए आपकी जो रिकॉर्डिंग माइक्रो का जो फीचर है वो क्या है, वो भी आपका माइक्रो ही क्रिएट करता है, और जो आप कोडिंग करते हैं वो भी आपका माइक्रो ही क्रिएट करता है। जैसे कि मैं अगर गया विजुअल बेसिक पे क्लिक किया, एक मरूज को इंसर्ट किया और यहां पे मैंने लिखा सब आर आर, ये भी एक मैक्रो है, लेकिन अगर मैंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके ओके और यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, और यहाँ पे जो मैक्रो बना वो भी एक मैक्रो ही है, और दोनों आपको मैक्रो लिस्ट में दिखेंगे। समझ गए? तो रिकॉर्डिंग मैक्रो एक ऐसा टूल्स है जो आपके लिए प्रोग्रामिंग करता है। समझ गए सर? आपके लिए प्रोग्रामिंग करके एक मैक्रो बनाता है। तो प्रोग्रामिंग क्या करता है? जो आप इवेंट करते हो, जैसे मैं रिकॉर्डिंग मैक्रो को ऑन कर दिया और हमने बोला क्लिक यहाँ पे E1 पे कर्सर रखा, तो आप अपने प्रोग्राम में जाके देखोगे कि इसने लिखा रेंज E1 डॉट सिलेक्ट, और जब हम कोडिंग करेंगे तो वहां भी हम यही चीज लिखेंगे रेंज E1 डॉट सिलेक्ट। समझ गए? ये वही बात हो गई कि अगर आपको फोन, एक तो आपने फोन उठा के हेलो बोला, या फिर आपका सिस्टम में ऐसा सेटिंग किए हुए है कि कोई फोन करेगा तो उठा के हेलो किससे बात करनी है, या फिर एक दबाए दो दबाए ऐसे वाले सिस्टम होती है ना IVR, उस तरह की चीज है। आप समझ गए? समझ गए? तो रिकॉर्डिंग माइक्रो या माइक्रो बोथ आर द सेम है। फर्क कितना है कि रिकॉर्डिंग माइक्रो आपके माउस इवेंट से माइक्रो को कोड कोडिंग कर देता है, कोड कर देता है, और आप वीवीए प्रोग्रामिंग से कोड करते हैं। दोनों में यूज होता है वीवीए लैंग्वेज, ये भी आपका वीवीए लैंग्वेज ही है,
और रिकॉर्डिंग माइक्रो ने जो रिकॉर्ड किया वो भी एक तरह से VBA लैंग्वेज ही है। अतीत जी एंड पुष्पेंद्र जी समझ में आ गया मुझे सर? डाउट इसमें? यस सर। नहीं चलिए आगे बढ़े। अब इसमें आगे बढ़ते हैं अगली क्लास की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। अब हम VBA माइक्रो बनाएंगे कब और किसके लिए, वो क्वेश्चंस है। देखिए हम ऐसे हर चीजों के लिए VBA प्रोग्रामिंग नहीं लिखते रहेंगे। VBA प्रोग्रामिंग हम लिखेंगे कब, उसकी एक सिचुएशन है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे हम VBA को लिखेंगे। अब वो सिचुएशन क्या है, अब उस सिचुएशन को समझिए। अब वो सिचुएशन ये है कि आप जो है आपके पास अगर कोई माइक्रो है तो उस माइक्रो का यूज कोई प्रॉब्लम आया तो पहले आपको ये देखना है कि वो प्रॉब्लम एक्शन पे होगा या नहीं होगा, राइट सर? अब ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप माइक्रो बनाते हैं तो माइक्रो को रन करने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ेगी और वो है सिक्योरिटी को अनेबल करना। जैसे कि आपने माइक्रो बनाया और मान लीजिए किसी को मेल कर दिया, तो जब तक वो माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल नहीं करेगा तब तक आपका माइक्रो यूज नहीं कर पाएगा। तो आप प्रेफरेंस करें कि आप माइक्रो का यूज कम से कम करें, रिपोर्टेड। तो अगर मान लो जब यूज करते भी है तो मान लीजिए कि आपको एक काम आया जो पिवट से सिंपली बन जाएगा, पिवट टेबल से वो आपका सिंपली बन जाएगा। अब उसके लिए कोडिंग थोड़े करने जाएंगे आप, क्या बोलते हैं सर? कोडिंग करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोडिंग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम किल करेगा, क्योंकि आप टाइम बचाने के लिए कोड कर रहे हैं ना, लेकिन वो तो ऑलरेडी आपका टाइम किल कर रहे हैं, इसलिए हम उसकी कोडिंग नहीं करेंगे। ओके तो माइक्रो किसके कब बनाएंगे? जब हमारे पास रिपीटेड जॉब होगा, ऐसा काम जिसको बार बार करना हो, या फिर लेंदी जॉब कि कोई काम एक ही बार आया है लेकिन काफी टाइम लगाएगा, इसलिए उस काम को हम प्रोग्रामिंग के जरिए करके जल्दी खत्म कर दें। तो दो सिचुएशन में ही माइक्रो यूज करते हैं, रिपीटेड वर्क, ऐसा काम जो आपको हर दिन करना है, हर दिन आपका घंटा दो घंटा तीन घंटा खा जाता है तो उसको ऑटोमेट करके आप टाइम बचाएंगे। और दूसरा लेंदी जॉब, ये काम एक बार का ही है लेकिन इतना लेंदी है कि दिन लग सकता है या काफी टाइम लग सकता है, तो उस केस में प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए? अगर कोई ऐसी फाइल जो काफी जगहों पर जाने वाली है, ऐसे फाइल्स के अंदर आप माइक्रो ना करें, क्योंकि हर सिस्टम का माइक्रो सेटिंग डिसेबल होता है। तो अगर आपने ऐसे माइक्रो में प्रोग्राम कर दिया जो कई सारे सिस्टम पे जाएगा तो हर सिस्टम पे जाके वो सिक्योरिटी वार्निंग दिखाएगा और आपको हमेशा मेल आएगा कि फाइल इज नॉट वर्क, या आपको फोन करके बताना पड़ेगा कि प्लीज अनेबल द माइक्रो आफ्टर द यूज दिस फाइल। तो ऐसी प्रॉब्लम होने के चांसेस है, तो हम क्यों ऐसे फाइलों पे यूज करें? अगर आप अपने लिए माइक्रो बना रहे हैं तो आप जितना मर्जी धड़ल्ले से माइक्रो यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके पुष्पेंद्र, समझ में आ गया? हाँ जी। कोई डाउट? तो ये थी माइक्रो की बेसिक कंसेप्ट।
और जैसे कि हमने पिछला बार भी आपने ज्वाइन किया था तो आपको मैंने बोला था कि एक वेबसाइट को विजिट करने के लिए, वेबसाइट है हमारा बता देता हूं excel-vva.com। तो प्लीज आप इस वेबसाइट पे जाएं और इसमें से इसकी रीडिंग करें, इसकी चैप्टर्स को, ये बेसिक का है। उसके बाद हम कल जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे मैक्रो में आगे, रिकॉर्डिंग मैक्रो और रिकॉर्डिंग मैक्रो का बेनिफिट्स और उसको एडिट कैसे किया जाए। ठीक है अतीश जी? यस सर। और मे बी कल या नेक्स्ट मंडे से हमारे साथ जुड़ेंगे एक नए दीपक जी। ओके सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मंडे से।